आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के आमेर किले के ऊपर। जो ये मेरे सामने देख रहे हैं, आमेर किले का मुख्य दरबार है। अब हम आपको लेकर चलते हैं। जो हाथियाँ दिखाई दे रही हैं, इनके 1100 रुपये की टिकट है। अगर किसी ने इनकी सवारी करनी है तो 1100 रुपये दें और इन पर सवारी करें। ऊपर से देखेंगे तो पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है। इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। जो आमेर का किला है, ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और आप जब ऊपर चलेंगे तो इसके अंदर आमेर महल और इसके चारों तरफ हाथियों की सवारी आप हाथी को जाते हुए भी देख रहे हैं। और आप आमेर किले को देखेंगे, प्रथम दरवाजे पर जाएंगे तो एक आकर्षक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। ये आमेर का किला जो है, ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब हम एक दरवाजे से आगे निकले हैं तो इसकी बिल्डिंग जो देखेंगे, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें और मजबूत शाखाओं से घिरा हुआ है। और जब इसका दूसरा दरवाज़ा देखेंगे तो एक आकर्षक बहुत ही मजबूत दरवाज़ा है। और जब हम इसके अंदर जाएंगे तो अंदर जाते जाते एक विशाल मैदान में आकर्षित हो जाएगा। चारों तरफ मैदान ही मैदान है। और इसके जो साइड में जो ये पुरानी तोपें रखी हुई हैं, उस ज़माने की ये तोपें हैं, इसी से युद्ध जीता जाता था। इसके अंदर बारूद गलता था और बारूद से इसको दुश्मनों पर हमला कर देते थे। तो अब आमेर किले के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर पूरा मैदान है, चारों तरफ हवेलियाँ ही हवेलियाँ हैं। आखिर ये किस तरह का महल बनाया होगा अपनी सुरक्षा के हिसाब से, जो पहाड़ के ऊपर एक ज़बरदस्त एक शक्तिशाली इमारत खड़ी कर दी, जो आज दर्शक दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आखिर क्या राज है इसके अंदर, आखिर क्यों इसको इतना मान्यता दी गई है, आखिर इतना मजबूत क्यों था ये। अब हम आमेर किले के ऊपरी हिस्से में आए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, पूरा का पूरा जो शहर है आमेर शहर, पूरा नीचे है और हम आसमान में हैं, यानी पहाड़ के ऊपर ही जो किला बनाया गया है, एक ज़बरदस्त देखने लायक है। तो मेरे पीछे देखेंगे, ये वो चौड़ी जगह है जहाँ पर सेना अपना पहरा देती थी। और जो हम खड़े हैं, ये उनका महल होता था। महल के ऊपर जो सैनिक हमला करते थे, दूसरे जो विरोधी सैनिक हमला करते थे, तो उन 4-5 टुकड़ियों को पार करना पड़ता था और लास्ट में यहाँ पर महाराज बैठते थे। जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा जो चारू नुमा पूरा जो यहाँ पर दरबार लगता था। और जो पीछे जो दीवार देख रहे हैं, ऊंची जो दीवारें हैं ऊंची ऊंची, ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। और आप फिलहाल आप बहुत ही ऊंचे स्थान पर, जब भी कोई हमला करता था तो वो पूरी तरह दिखाई देता था। अगर कोई भी यहाँ महल की तरफ आता था, क्योंकि महल ऊंचाई पर था और कोई भी सैनिक यहाँ विरोधी कोई भी यहाँ पर अन्य राजा महाराजा या कोई भी अन्य यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आते थे तो दूर से दिखाई देते थे। हम महल के उस हिस्से में पहुँचे हैं, दरबार। जो दरबार एक महल का अहम हिस्सा होता था, जहाँ पर दरबारी बैठते थे, उनके मंत्रियाँ बैठते थे, महाराजा बैठते थे,
और आम पब्लिक जो उस टाइम की प्रजा होती थी वो प्रजा बैठती थी और प्रजाएं अपनी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर महाराज के पास आती थी। महाराज उन समस्याओं का निवारण करता था, उन समस्याओं को सुनता था, उन समस्याओं का हल निकालता था और जितना भी राजमहल का कानून था इसी यहीं से चलता था और अनेक कानून यहीं से बनाए जाते थे, यहीं से फैसले प्रजा के लिए निकाले जाते थे। तो अब मेरे पीछे जो देख रहे हैं अमेर का किला जो पहाड़ के ऊपर बना गया है, जो चोटी पूरी धरती से बहुत ही ऊंचाई पर बना गया है। अगर आप यहाँ से बाजार यहाँ की मार्केट को देखेंगे तो बहुत ही नीचे दिखेगी, जब भी कोई आक्रमण करता था तो यहाँ साफ नज़र आता था। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से जो मेरे पीछे देख रहे हैं जो मेन जिसको महल बोलते थे महारानी का, वही महल है, देखने लायक ज़बरदस्त सुंदरता है। जो इसकी जो नील जो इसकी जो पत्थर की जो पत्थर की बनावट है जिससे बनाई गई है, इसके अंदर अनेकों रंगों से सजाया गया है, अनेकों आकृतियां हैं, जबरदस्त है। तब महल के उस हिस्से में आ चुके हैं जो मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे महल था और महल के साथ में जो ब्रंडन में जो पत्थर को तराश कर बनाया गया था। अब हम इससे ऊपर से देखेंगे तब ये देखें शहर जो होता था जो नीचे ये जो महल था पहाड़ चारों तरफ पहाड़ से गिरा हुआ था और पीछे देखेंगे पहाड़ को यार अब अंदाज़ा लगा लो कि महल जो धरती से कितनी ऊंचाई पर बना रहा है। नीचे जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, नीचे जो ज़मीन देख रहे हैं बिल्कुल बहुत ही नीचे दिखाई दे रही है और जो महल है बहुत ही ऊंचाई पर है। देख सकते हैं आप कितनी सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया होगा, जब भी कोई आक्रमण करता होगा तो यहाँ से इतनी ऊंचाई से वो साफ दिखाई दे देता होगा और जो यहाँ के सैनिक होते थे वो चकन्ने हो जाते थे और जो अपने को एक मजबूती देता था। तो अब हम किले के उस हिस्से में आए हैं स्नान घर जो महली का स्थान होता था, ये यही नहाने का स्थान है और ये जो छोटे छोटे मकान में स्नान घर ही बोलते जिसको हम बाथरूम बोलते नहाने का जो स्थान बोलते हैं, जो इसके अंदर भी अनेकों आकृतियाँ बनी हुई है छोटी छोटी वही ईंटों से बुलबुले के रास्तों से। और अब हम आपको लेकर चलेंगे बाथरूम जो पेशाब घर होता था इसको लैट्रिन बोलते थे, ये वही बाथरूम है जो आप देख रहे हैं टॉयलेट जिसे बोलते हैं, वही टॉयलेट है। अब हम महल के उस हिस्से में पहुँचे हैं जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको शीश महल कहते थे। शीश महल जो नीचे शीशे से बना हुआ है और जो दीवार है उनकी उन पे पत्तियाँ यानी डिजाइन किया हुआ है। ये जो महल होता था ये विशेष लोगों के लिए होता था, जैसे बाहर से जो राजा महाराजा आते थे या बड़े अधिकारी आते थे उनके लिए बैठने का स्थान होता था। यहाँ पर जो ये महल है उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जब गर्मियाँ होती थी तो ये महल ठंडा हो जाता था, यानी एक गर्मी से बचने के लिए इस महल को इस तरह से बनाया गया था कि गर्मियों में बिल्कुल ठंडा स्थान हो जाता था। जब आजकल हम जिस गर्मी से बचने के लिए शिमला या हिमाचल जाते हैं उस टाइम ये महल स्पेशल इन्हीं बातों के लिए होता था कि ठंड कहाँ मिलेगी इस चीज महल के अंदर मिलेगी। तो फिलहाल हम आमेर के किले के ऊपरली चोटी पर हैं जो यहाँ से जो किले का नज़ारा जो मेरे पीछे एक किला पीछे और देख रहे हैं वो जयगढ़ का किला है। तो जयगढ़ का किला यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहा है
यहाँ से अगर जयगढ़ किले की बात करेंगे तो इससे भी ऊपर ऊंचाई पर बना हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कितना सुरक्षित होगा, जो यहाँ के किले हैं वो कितने सुरक्षित बनाए गए हैं।